हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस जैसा कि अम्मू वाल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग एटीट्यूड सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की एटीट्यूड सारी स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। गाइस जैसा कि आपको पता हो कि इस तरह की जो सारी स्टेटस वीडियो है अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो गाइस अगर आप लोग भी सारी में कुछ इस तरह का इफेक्ट लगाकर एटीट्यूड सारी स्टेटस वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो में बहुत सारे व्यू और लाइक आ सकते हैं। गाइस आपको इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब ऐप को और लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस आपको पिक्सल लैब ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस आपको अलाइट मोशन ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अलाइट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको सर्च करना है पिक्सल लैब। सर्च करते ही गाइस आपके सामने पिक्सल लैब वाला ऐप आ जाएगा, तो आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको बीच में न्यू टेस्ट वाला ऑप्शन जो मिल रहा है इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस आपको इसमें सारी को लिखना है, तो सारी को लिखने के लिए आपको ए वाले ऑप्शन पर जाना है, टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आप जो भी सारी इसमें लिखना चाहते हैं आप उसको लिख सकते हैं। तो गाइस मैंने सारी को पहले से ही कॉपी किया है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारी को पेस्ट कर दिया है। ओके पर क्लिक करना है। ये वाली जो सारी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इस तरह से आपको सारी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट वाला, इस पर क्लिक करना है, तो इस वाले फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना है। गाइस अगर आपके पिक्सल लैब ऐप में ये वाला फॉन्ट ऐड नहीं है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने बताया है कि आप इस वाले फॉन्ट को पिक्सल लैब ऐप में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आपको उस वीडियो को देख लेना है और पिक्सल लैब ऐप में इस वाले फॉन्ट को ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आपको इस वाले फॉन्ट को लगा देना है, ओके पर क्लिक करना है। अब स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको सारी के स्पेस को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना है। इस तरह से हम सारी के स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस तरह से आप कलर को सेट कर सकते हैं, जिस भी कलर को आप लगाना चाहते हैं। तो गाइस हम इस तरह से कलर को लगा देंगे, आप देख सकते हैं। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्टॉक वाला, इस पर क्लिक करना है। इसको ऑन कर देना है इस तरह से, तो जो आपकी साड़ी है कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगी। आपको इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा शैडो वाला, इस पर क्लिक करना है। इसको भी इनेबल कर देना है। इसमें भी गाइस आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आपकी जो साड़ी है कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगी। अब गाइस आपको इसको PNG में कन्वर्ट करना है, तो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है चौथे नंबर वाला, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो साड़ी है PNG में कन्वर्ट हो जाएगी। अब गाइस आपको इस साड़ी को गैलरी में सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज इमेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी PNG सारी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब गाइस आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नारेसो सिस्टम की साइज को सिलेक्ट करना है। इसमें गाइस आपको व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको गाइस उस PNG साड़ी को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी पिक्सल लैब ऐप से एडिट की थी, तो उस साड़ी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। यहाँ से गाइस आपके मोबाइल की जो गैलरी है ओपन हो जाएगी। इसमें आपको पिक्सल लैब वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जिस साड़ी को आपने पिक्सल लैब से एडिट किया था उस साड़ी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम साड़ी को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से गाइस हम साड़ी को बीच में अच्छे से इसको लगा देंगे, स्क्रीन पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। यहाँ से आपको एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस साउंड वाली वीडियो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस साउंड वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको साउंड वीडियो को ऐड करना है। गाइस आपको इस साउंड वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने का ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है 3 डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्ट्रिक आइडो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो का जो साउंड है निकल कर हमारी वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो में जो साउंड है वो लग चुका है।
अब गाइस आपको इस साउंड वाली वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं गाइस हमारे वीडियो में जो साउंड है वो लग चुका है। अब गाइस आपको सारी क्लियर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम आईडी के लोगों को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। मीडिया पर जाना है, आल पर जाना है। यहाँ से गाइस हम अपने इंस्टाग्राम आईडी के लोगों को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। आप भी अपने इंस्टाग्राम आईडी के लोगों को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी के लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे साइड में इसको हम अच्छे सेट करके लगा देंगे। इस क्लियर को भी गाइस हम साउंड क्लियर के बराबर कर देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं गाइस अभी हमारी वीडियो है जो कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। अब गाइस इसमें हम XML फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद प्रोजेक्ट पर जाना है। यहाँ से गाइस आपको इस वाली XML फाइल को सिलेक्ट करना है। तो ये वाली जो XML फाइल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वाली XML फाइल को अलाइट मोशन ऐप में ऐड करना है। जो आपकी XML फाइल है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब गाइस आपकी जो XML फाइल की ये तीन लेयर है, इनको आपको कॉपी करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको इनको सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपकी जो लेयर है सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट होने का इनको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कॉपी थ्री लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही तीनों लेयर जो कॉपी हो जाएंगी। यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको उसी प्रोजेक्ट पर जाना है जिस पर हम सारी वीडियो को बना रहे थे। तो उसी प्रोजेक्ट को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको तीनों लेयर को पेस्ट करना है जो आपने अभी कॉपी की थी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो पेस्ट थ्री लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही तीनों लेयर जो पेस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं गाइस इस तरह से हमारी वीडियो अभी एडिट हो चुकी है। अब गाइस जो XML फाइल की फर्स्ट लेयर है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का इफेक्ट पर जाना है। यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इन इफेक्ट को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करते ही ये सारे इफेक्ट हैं जो कॉपी हो जाएंगे। अब गाइस आपको इन इफेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। इस तरह से आपको सभी इफेक्ट को डिलीट करना है। अब यहाँ से गाइस आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको सारी वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर गाइस आपको सारे इफेक्ट को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किए थे। तो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको पेस्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारे इफेक्ट जो पेस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो है जो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।